वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कालाडूंगी पुलिस ने संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया। कालाडूंगी पुलिस ने युवाओं और आमजन को नशे से दूर रखने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। आयोजित कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत और उप निरीक्षक निशु गौतम ने लोगों से अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की नसीहत देते हुए महिला सुरक्षा ऐप के बारे में बताया। साथ ही महिलाओं को गौरा ऐप के बारे में भी जानकारी दी। कालाडूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। यहाँ की जनता के साथ मीटिंग की गई, उनको ट्रैफिक से संबंधित नियमों के बारे में और महिला अपराध से संबंधित नियमों के बारे में सारी जानकारी दी गई। और एक जो हमारा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है गौरा शक्ति करके, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और कैसे उसको अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उससे महिलाओं को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई। गर्ल्स वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी द्वारा वार्ड नंबर 7 में प्रीति गोस्वामी जी के तत्वान पर वेंकट हॉल पर कार्यक्रम कराया गया, जो हमारा नशे के खिलाफ अभियान और उत्तराखंड पुलिस ऐप जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आया है उसके बारे में यहाँ पर सबको जानकारी दी गई। और बच्चों को वाहन ना देना और हेलमेट पहनना और ट्रैफिक के नियम के बारे में हमारे कालाडूंगी थाना अध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी द्वारा सबको जानकारी